मॉर्निंग चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 5, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिवीजन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। बच्चों, हम जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले रिवीजन्स क्वेश्चन हैं, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर दिया है, आज हम बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। इस सेंटेंस को फिल करना है सूटेबल वर्ड डाल करके। तो नंबर वन है, अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज और वुडी प्लांट्स। लैंड का एक लार्ज एरिया जो सिर्फ ट्रीज और वुडी प्लांट से ढका हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, वुडी प्लांट्स, क्योंकि ट्रीज को हम लोग वुडी प्लांट्स क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ट्रीज जो होता है वो वुड का होता है, उसमें लकड़ी पाई जाती है, इसलिए ट्रीज का दूसरा नाम क्या है, वुडी प्लांट्स नाम है, इसलिए इसके फिलअप में हम लोग वुडी प्लांट्स भरेंगे। नेक्स्ट, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ईटीसी आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेश वाटर। पॉन्ड्स, रिवर और लेक्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं, फ्रेश वाटर के एग्जांपल हैं। ये सब चीज़ों, इन सबको हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं, इसलिए फ्रेश वाटर के अंतर्गत पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स आते हैं, इसलिए इसके फिलअप में हम लोग क्या भरेंगे, फ्रेश वाटर भरेंगे। नेक्स्ट, नंबर थ्री, एनिमल्स लाइक फिश, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ईटीसी हैव स्केल्स। ये सब जो एनिमल्स हैं, इसके बॉडी पर क्या पाया जाता है, स्केल्स पाया जाता है। जब हम इसे छूते हैं, टच करते हैं, तो ये हमारी हाथों से स्लिप करते हैं। किसके कारण स्लिप करते हैं, ये स्केल्स के कारण, इन्हीं स्केल्स से इनका बॉडी पूरा कवर्ड होता है, इसलिए इस फिलअप में हम लोग क्या भरेंगे, स्केल्स भरेंगे। तो क्या होगा, एनिमल्स लाइक फिश, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ईटीसी हैव स्केल्स। इन सारे एनिमल के बॉडी स्केल्स के द्वारा कवर्ड होते हैं। नंबर फोर, अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो अगर वाटर में रहे तो अपने मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, और जब ये लैंड पे रहता है तो लंग्स के द्वारा सांस लेता है। इसके बॉडी में लंग्स भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है, अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग सांस लेता है अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा, कहाँ पे, जब वो वाटर में रहता है, क्योंकि फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस हैं, ये वाटर और लैंड दोनों में रहने वाले एनिमल हैं, इसलिए इनका बॉडी जब वाटर में रहता है तो अपने मॉइस्ट स्किन के द्वारा ब्रीदिंग करता है, और जब ये लैंड में रहता है तो अपने लंग्स के द्वारा ब्रीदिंग करता है, इसलिए इसके फिलअप में हम लोग वाटर भरेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन डैश। तो इसमें होगा वाटर, क्योंकि फ्रॉग जो वाटर में रहता है तो अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है। तो आपको ये फिलअप समझ में आ गया होगा, आप इसे ध्यान से समझ करके पढ़ के अपनी कॉपी में लिखिएगा और सारे फिलअप को अच्छी तरह से याद करिएगा। थैंक यू।